हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू आवर चैनल गोल्डन शेयर मार्केट एकेडमी। आज हम जानेंगे IIFL फाइनेंस के शेयर क्यों गिर रहे हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना। आखिरी में यहाँ पर अगर हम बात करेंगे IIFL फाइनेंस, आपको पता है कि ये जो है ब्रोकिंग कंपनी भी है और साथ ही साथ फाइनेंस यानी लोन वगैरह भी प्रोवाइड करती है। इसके शेयर्स के प्राइस पिछले 2 दिनों में 40% गिरा है। कितना गिरा है? 40%। तो इसके शेयर्स का प्राइस था लगभग 600 के आसपास, इस समय 380 चल रहा है। तो देखो, इसी तरह से कोई भी कंपनियां खराब होती हैं। जैसे आपने पेटीएम देखा, आखिरी बार बहुत बड़ा क्रैश आया, 800 से सीधा 300 आ गया, 60-70% क्रैश हो गया, राइट। इवन IPO में 2100 में था, अब सोचो 2100 का शेयर आज 300 आ गया। तो मार्केट में है ना, शेयर बाजार में यही एक रिस्क होता है, इसीलिए यहाँ पर बहुत चीज़ें सोच समझ के पैसा लगाना होता है। अब देखो, IIFL फाइनेंस भाई अच्छी कंपनी थी, फाइनेंस की ब्रोकिंग भी चलाती है, तो कंपनी अच्छी थी। आप देखोगे तो 60 रुपये से ये प्राइस जो है पिछले 2020 से चल रहा था और काफ़ी ऊपर गया था, लगभग 700 तक ये प्राइस गया था, हाई बनाया था। लेकिन 2 दिनों में खाली 614 से 380 आ गया, राइट। 600 से 380 आ गया, तो नियर अबाउट 40% की गिरावट। यानी देखोगे तो आप लोअर सर्किट लगा है 2 दिनों से 20-20% का। अब ऐसा क्यों हुआ है, इसका कारण क्या है, तो यहाँ पर देखो न्यूज़ दिया हुआ है इसके बारे में। और वो न्यूज़ क्या है, इंडियन सेंट्रल बैंक बैन्स IIFL फाइनेंस, राइट। यानी कि RBI ने इनको बैन किया है फ्रॉम सैंक्शनिंग डिसबर्सिंग गोल्ड लोन। यानी कि गोल्ड लोन की किसी भी तरह का, गोल्ड लोन के ऊपर यानी गोल्ड के ऊपर लोन देने के लिए, किसी भी तरह का लोन गोल्ड के ऊपर देने के लिए RBI ने इन्हें जो है बैन किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, इंडियन सेंट्रल बैंक ऑर्डर IIFL फाइनेंस टू रिफ्रेन फ्रॉम सैंक्शनिंग डिसबर्सिंग गोल्ड लोन और असाइनिंग सिक्योरिटाइजिंग और सेलिंग एनी ऑफ इट्स गोल्ड लोन ड्यू टू सर्टेन मटेरियल सुपरवाइजरी कंसर्न। यानी कि यहाँ पे इनके जो कुछ कंसर्न आए हैं बैंक के थ्रू, उसकी वजह से RBI ने इनके हर एक तरह के गोल्ड लोन देने का पूरा बंद कर दिया, राइट। सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नोटेड सीरियस डेविएशन इन सेइंग एंड क्लेरिफाइंग प्योरिटी एंड नेट वेट ऑफ द गोल्ड एट द टाइम। सो इस यही एक न्यूज है जिसकी वजह से IIFL फाइनेंस पिछले 2 दिनों में 40% गिरा हुआ है, राइट। तो अब यहाँ पे क्या करना चाहिए, अब जिन लोगों ने लिया है, राइट, अब यहाँ पे एक पैनिक सिचुएशन तैयार होगा। भाई 40% गिर गया है तो पैनिक सिचुएशन तो तैयार होगा, लेकिन देखो कोई भी चीज़ है ना, कोई भी चीज़ जब एक रैली देती है तो उसके बाद एक करेक्शन आता है उसका, वो चाहे किसी भी कारण से हो, तो ज़्यादातर बैड न्यूज़ की वजह से वो करेक्शन आता है। तो ये न्यूज़ काफ़ी ख़राब है भाई, क्योंकि उसका एक बिजनेस बंद हो रहा है, तो बड़ा इम्पैक्ट आने वाला है उस कंपनी के प्रॉफिट्स पर, इसी वजह से ये स्टॉक गिर रहा है। फिलहाल हम क्या करेंगे, अगर जिनके पास है उनको क्या करना चाहिए, तो हो सकता है कि इसकी गिरावट 304 तक आए, यानी 61.8% एज पर फिबोनाची यहाँ तक गिर सकता है, राइट। तो आपको क्या करना चाहिए, अगर आपने बहुत ऊपर ले रखा है तो आपको इसमें वेट करना चाहिए जब सिचुएशन सही हो, क्योंकि भाई कंपनी है, बिजनेस है, पूरा ख़राब तो नहीं होगा। हाँ, कुछ बुरी परिस्थिति आई तो भाई पूरा ख़राब तो होने वाला है, क्योंकि फाइनेंस में यही एक रिस्क होता है। जैसे आप यस बैंक देख लो, दीवान हाउसिंग फाइनेंस तो ख़त्म ही हो गया, राइट। तो ये रिस्क रहता है फाइनेंस में, अगर आपको एक डर है तो आप निकल सकते हो, राइट। 40% का लॉस से निकल सकते हो, दूसरी जगह से कवर कर सकते हो, लेकिन अगर रुकना चाहते हो रुक सकते हो, राइट। क्योंकि एक बिजनेस बंद हुआ है, सारे बिजनेस तो बंद नहीं हुआ है, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं भाई इनके बिजनेस बहुत बड़ा इम्पैक्ट तो आएगा ही गोल्ड लोन को लेके, राइट। तो हो सकता है कुछ ना कुछ सोल्यूशन भी आगे निकले, तो अब अगर आप बने रहना चाहते हैं बने रह सकते हैं, राइट। और नीचे जब चीज़ें सही होगा तो एवरेजिंग करके आप जल्दी निकल सकते हैं, राइट। फिलहाल आगे देखेंगे कि इसके ऊपर और क्या न्यूज आ रहा है, कितना गिरता है, राइट। तो आई होप कि आपको समझ में आएगा क्यों IIFL फाइनेंस गिर रहा है। इसी तरह से और भी स्टॉक जो गिर रहे होंगे उनकी जानकारी मैं आपको जल्द ही वीडियो के माध्यम से दूंगा, ओके। तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर करिए, ताकि जिन लोगों के पास IIFL है वो जो है इस चीज़ को समझ सके। और इसके ऊपर मैं एक डीप एनालिसिस वीडियो जरूर बनाऊंगा फंडामेंटल को लेके, ताकि कंपनी को पता चले अच्छी है खराब है चीज़ें, तो उसके ऊपर वो वीडियो मैं आपको जल्दी अपलोड करके दूंगा, ओके। थैंक यू सो मच, बाय बाय।